Hyundai ने अपने नेक्स्ट जनरेशन ट्यूसोन को आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस शुरू होती है 27,69,000 से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी में मिलने वाले न्यू फीचर्स और अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बात करते हैं फ्रंट साइड से। तो फ्रंट साइड में यहाँ पे हमें LED DRS और LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही इस गाड़ी में हमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट कैमरा मिलता है। बात करेंगे साइड से तो यहाँ पर हमें 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं और साइड ORVM पे हमें कैमरा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बैक प्रोफाइल के बारे में। तो बैक साइड में हमें कनेक्टिंग LED टेल लाइट्स मिल जाती है और इसके इंडिकेटर्स नीचे की साइड प्लेस किए गए हैं। और साथ ही इस गाड़ी में हमें पावर एडजस्टेबल टेल गेट देखने को मिलता है, जिसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में हमें रियर पार्किंग सेंसर्स और शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो यहाँ पर हमें 10-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है और 8-way पावर एडजस्टेबल पैसेंजर सीट मिलती है विथ मेमोरी फंक्शंस। और इस गाड़ी की जो फ्रंट 2 सीट्स है उसमें हमें हीटेड और वेंटिलेटेड का ऑप्शन मिल जाता है। इस गाड़ी में हमें बोस के प्रीमियम स्पीकर देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी में हमें 10.25 इंचेस का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें हमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसको आप स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की मदद से सेट कर सकते हैं। और बात करेंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर हमें 10.25 इंचेस की HD इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जिसमें हमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेसली हम इसमें चला सकते हैं। और इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा भी आता है। Hyundai की न्यू ट्यूसोन में हमें लेवल 2 का ADAS देखने को मिलता है, जैसे कि हमें XUV700 और MG की Aster में देखने को मिला था, वैसे ही सेम यहाँ पर हमें लेवल 2 का ADAS फीचर जो है इस गाड़ी में मिलता है, जिसकी जो सेटिंग्स है आप इस 10.25 इंचेस की स्क्रीन में कर सकते हैं। इस गाड़ी में हमें लेवल 2 ADAS के 19 फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही इस गाड़ी में हमें वायरलेस चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। और डैशबोर्ड में और पीछे की साइड हमें एम्बिएंट लाइट्स भी मिल जाते हैं। वहीं पे इस गाड़ी में हमें बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है। और इस गाड़ी में हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल बॉस मोड देखने को मिलता है, जैसे कि टाटा की सफारी और हैरियर में हमें बॉस मोड देखने को मिलता है, पर वो हमें मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। इस गाड़ी में हमें लॉन्गर व्हील बेस मिल जाता है, जिसके कारण इसकी सेकंड रो जो है वो बहुत ही स्पेशियस है। बात करेंगे इस गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो इस गाड़ी में हमें 60+ सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और 45+ हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स ऑल वेरियंट्स में मिल जाते हैं। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में हमें 6 एयरबैग्स भी मिल जाती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो इस गाड़ी में हमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पेट्रोल में हमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 156 BHP पावर एंड 192 Nm का टॉर्क, और ये आता है 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। वहीं पे इसमें हमें 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 186 BHP पावर एंड 416 Nm का टॉर्क, और 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये हमें इंजन मिलता है। बात करेंगे इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। तो अभी तक कंपनी ने इसकी माइलेज जो है रिवील नहीं की गई है। साथ ही में इस गाड़ी में हमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि हमें सिर्फ डीजल वाले वेरिएंट्स में ही मिलता है। पेट्रोल वाले वेरिएंट्स में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यही कुछ थे ट्यूसोन में मिलने वाले फीचर्स और न्यू अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।